हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3। ठीक है, कैसे मैकेनिज्म होता है वो चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। ओके, सो जब भी हम ये रिएक्शन करते हैं, सो मैकेनिज्म जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मैकेनिज्म से हमें पता चलता है कि आखिर में ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है ये कैसे होगा। सबसे पहले क्या है, अल्कोहल है और अल्कोहल की रिएक्शन कराई है किससे, PCl3 से। अब जो फॉस्फोरस है ये अपनी वैलेंसी जो है वो -6, इसके पास 6 कोवलेंट बॉन्ड है, 6 वैलेंस बॉन्ड है, ये मैक्सिमम 6 माइनस तक भी जो है अपनी वैलेंसी को यहाँ पे शो करता है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, लोन पेयर है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। सो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है उसको डोनेट करेगा कहाँ पे, फॉस्फोरस में। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फॉस्फोरस में, सो इन फॉस्फोरस पार्शियली गेट पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस गेट द प्लस चार्ज है। अब प्लस चार्ज क्योंकि ये जो फॉस्फोरस है ये जो दो बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है, ये किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने फॉस्फोरस से शेयर किया और इसके ऊपर यहाँ पे क्या आ गया है, प्लस चार्ज आ गया। नाउ जैसे ही प्लस चार्ज आया है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सो तुरंत ही यहाँ से क्या होगा कि क्लोरीन जो है यहाँ से क्या करेगा, रिमूव करेगा। आपको पता होना चाहिए क्लोरीन जो है गुड लिविंग ग्रुप है, वो ईजिली क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और रिमूव जैसे ही होगा, बैक साइड से क्या है, ये जो आपके पास बना है इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। सो जैसे ही ये क्लोरीन यहाँ पे बैक से अटैक करेगा एंड दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड अगर यहाँ ऑक्सीजन पे तो अटैक नहीं कर सकता ना, ऑक्सीजन पे अटैक इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसके पास क्या है, इसके सारे बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 2 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट इसके हो चुके हैं। ठीक है, सो देर इज नो मोर स्पेस टू अकोमोडेट दिस क्लोरीन, कि ये अपने पास इस क्लोरीन को रख सके। सो ये क्लोरीन जो है ये आर एल्काइल हेलो एल्केन जो है उस पर अटैक करता है। फ्रॉम हेयर दिस एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ पे क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और यहाँ से क्या बनेगा, RCl। सो बेसिकली लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है, स्टेबल होना। ठीक है, जो स्टेबल रहेगा और न्यूट्रल रहेगा, मतलब देर इज नो चार्ज सेपरेशन। ओके, सो गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, वो आपके पास स्टेबल होना चाहिए और ज़्यादा क्राउडेड ना हो। ठीक है, वो आपके पास क्या रहेगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। एज वी सीन इन द रिएक्शन, यहाँ पे 3 अल्कोहल रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम 3 अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे, अब यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है, ये जो लिविंग ग्रुप है ये अगेन जो है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, अगेन अदर मोलिक्यूल जो है अल्कोहल उसके साथ रिएक्ट करेगा। इन दिस ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है, अपने लोन पेयर जो है, ये किसको डोनेट करेगा, टू द फॉस्फोरस। जैसे ही ये फॉस्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा और फॉस्फोरस जो है उसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ड्यूरिंग दिस जैसे ही ये प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्मेशन होगा, ड्यूरिंग जैसे ये यहाँ से फॉर्मेशन होगा, ये क्लोरीन जो है क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और ये क्लोरीन क्या करेगा, एट दिस ये क्लोरीन का रिमूव होने के बाद, ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा, रिमूव होने के बाद क्या करेगा, ये बैक साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा। सो जैसे ही ये बैक साइड से अटैक करेगा, मतलब यहाँ से एट दिस पोजिशन ये अटैक करेगा और यहाँ से क्या होगा, जब ये Cl के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, नाउ दिस बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड दिस एज अ लिविंग ग्रुप, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। एक एल्काइल हैलाइड हमें ऊपर जब हमने अभी पहले अभी जो स्टार्ट किया था मैकेनिज्म तब मिला था, और दूसरा एल्काइल हैलाइड हमें यहाँ से मिल गया। इन दिस अब यहाँ से जो दिस इज द लिविंग ग्रुप है,
नाउ अगेन दिस विल बी रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, बिकॉज रिएक्ट क्यों कर रहा है, अभी भी तो इसके पास जो ये क्लोरीन है, मतलब जो लिविंग ग्रुप है अभी भी इसके पास बचा है, तो अभी भी जब इसके पास ये क्लोरीन बचा हुआ है तो ये क्या करता है, रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करता है। अब ये लोन पेयर जो है ये फॉस्फोरस को फॉस्फोरस पे अटैक करेगा, जैसे ही ये फॉस्फोरस पे अटैक करेगा सो ये आपके पास यहाँ से बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, दिस ऑक्सीजन गेट द पॉजिटिव चार्ज। नाउ ये ऑक्सीजन जैसे ही पॉजिटिव गेट करेगा एंड दिस फॉस्फोरस गेटिंग द नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नाउ दिस क्लोरीन, जैसे ही ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा, अगेन दिस क्लोरीन अटैक, बैक साइड अटैक करेगा एट द आर। ओके, सो जैसे ही ये बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रॉम हेयर जैसे ही ये बैक साइड से अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड द ऑक्सीजन। सो यहाँ से हमें एक और मॉलिक्यूल मिल गया, किसका, RCl का, डेट इज एल्काइल हैलिड है, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, डेट इज H3PO3 हमें यहाँ से मिल गया। दिस इज होल मैकेनिज्म ऑफ जब भी हम फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन करते हैं। इन दिस अगर हम इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे, मतलब तीन मॉलिक्यूल ऑफ ROH जो है वो PCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ से दिस इज आर, यहाँ से RCl जो है उसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, तीन मॉलिक्यूल बनेंगे और प्लस में क्या बनेगा यहाँ से, डेट इज H3PO3 का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। अगर हम इन शॉर्ट अगर इसकी ट्रिक देखना चाहें, इन शॉर्ट सबसे पहले क्या लिखो, P तीन बार Cl लिखो, ठीक है, और PCl लिखो, मतलब PCl3 का स्ट्रक्चर ओपन करके लिखो और तीन बार क्या लेना है, एल्कोहल लेना है। फ्रॉम यहाँ से RCl को रिमूव कर दो, फ्रॉम यहाँ से RCl को रिमूव कर दो और यहाँ से RCl को रिमूव कर दो, मतलब हमें कितने RCl मिल गए, यहाँ से तीन RCl और जो जो बच गया डेट इज़ फॉस्फेरस या और तीन ऑक्सीजन और तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे बच गए। देखो एक R हमें यहाँ से मिला, दिस इज वन एल्काइल हैलिड, एक RCl यहाँ से मिला डेट इज सेकेंड एल्काइल हैलिड एंड थर्ड वन वी गेट फ्रॉम हेयर, सो दिस इज सेकेंड थर्ड एल्काइल हैलिड। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ PCl3। ओके, सो मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बना है, लेकिन ये रिएक्शन तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, मैकेनिज्म जो है ये पूरा मैकेनिज्म है आपके पास, कैसे ये रिएक्शन जो है वो रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है।